रुई यार, रुई मेरी बात। किस तरह से उससे बात कर रहे हो, इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हो? क्या बुला रहे थे उसे यार? इस तरह से कौन बात करता है? साद, आई थिंक यू शुड कीप योर डिस्टेंस, इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। भाभी, मुझे रोही पसंद है। यहां तक कि मैं अपना फ्यूचर प्लान भी उसी के साथ कर चुका हूं। साद, वो मुझे अच्छी लगती। मुझे लगता है कि वो वही लड़की है जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूं। मजाक कर रहे हो ना तुम? क्या कहा आपने? आपको मेरा कहा मजाक लग रहा है? वो इसलिए कि मुझे रूही पसंद है, और अगर मैं यही बात सालह के लिए करता तो आप फौरन मान जाती। प्लीज साथ, स्टॉप इट। डू यू हैव एनी आइडिया तुम बात क्या कर रहे हो? अंदाजा है तुम्हें और किसके बारे में बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू से ऑल ऑफ दिस, लेकिन हारा और रूही का क्या कंपैरिजन है? बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। क्या कैलिबर है उसका? जीरो एक्सपोजर है, जीरो बात तक नहीं करनी आती उसे। उससे शादी का प्लान कर रहे हो? कैसे करोगे शादी? तुम अपने साथ साथ उसकी जिंदगी भी मुश्किल में डाल रहे हो। तो कौन एक्सेप्ट करेगा तुम्हारा ये फैसला? मम्मी, पापा, मुराद, कौन? आप ही ने तो मुझे कुछ दिन पहले कहा था, आपने रूही को मशवरा दिया है कि शादी कर लो, अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती तुम। और अगर मैं उसे पसंद करने लगा हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है? आई लव हर। वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी गुर्बत है। मुझे उसके स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल। और गरीब होना कोई ऐब नहीं है। आप सब भी यही चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, फिर आपको मेरी और रूही की शादी से क्या प्रॉब्लम है? प्लीज साद, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीथिंग और एनीवन। यू वांट टू मैरी हर, गो मैरी हर। पर मुराद, मुराद को तो डे वन से वो पसंद नहीं है। पापा और मम्मी को कैसे कन्विंस करो कि उसके बारे में nobody likes her? एक मिनट, शादी मुझे करनी है मुराद भाई को? साथ, stop it, you're crossing your limits. Sorry भाभी, मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रूही से। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैं मॉम और डैड को कन्विंस ना कर लूं, आप ये बात बिल्कुल मुराद भाई से नहीं कहेंगे। वो पहले बिल्कुल पसंद नहीं करते रूही को, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं शादी करना चाहता हूं रूही से, तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे मेरे बारे में। पहले मैं मॉम और डैड को राजी कर लूं, मैं भाई को खुद ही राजी करूंगा। आपको मेरी कसम, प्लीज भाभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव हिम।